तो जैसे ही हम वे ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जानते हैं कि जो किसी भी चीज को गंभीर बनाने वाला जो प्रेजेंटेशन होता है वो पूरी तरह डिपेंडेंट होता है किस पे, जिसको हम पोएट्री की भाषा में कहते हैं डिक्शन। एंड व्हाट द हेल इज दिस डिक्शन? डिक्शन का मतलब है कि हाउ डू यू चूज योर वर्ड, हाउ डू यू चूज योर वर्ड। अगर मैं इसमें गहराई में जाना चाहूं तो कितनी भी डुबकी लगा सकता हूं, आप गंभीर चीजों के लिए कैसे वर्ड यूज करेंगे, वो बहुत डिग्निफाइड शब्द होंगे, बहुत गंभीर मसला होगा। ठीक है, देखो यहीं पर मैं तुम्हें गंभीरता और जो है जिसे कहते हैं नॉन सीरियसनेस का एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि एक डिग्निफाइड और एक नॉन डिग्निफाइड चीज को कैसे हम सिर्फ शब्दों के झोलमाल से बदल सकते हैं। जरा देखो, तुम्हें हंसी भी आएगी, थोड़ा तो हंसना भी चाहिए क्लास में। ठीक है, तुमने कभी ट्रक छाप शायरी सुनी है, जो ट्रक के पीछे लिखी होती है, नहीं सुनी है? पता। तो एक अर्ज की है, यस सर। एक ट्रक छाप शायरी अर्ज करता हूं तुम्हारे सामने। शब्द गंभीर नहीं है, देखो क्या कहता है वो। एक ट्रक में लिखा था, कच्चे की रानी पक्के का राजा, मिलना है तो काठगोदाम आ जा। ठीक है, तो ये है एक ट्रक छाप शायरी, ठीक है, जिसमें डिक्शन बहुत ही निहायत ही गंदे तरीके का, गंभीर बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही मैं एक गंभीर डिक्शन को लेके आता हूं तो अपने आप ही सब्जेक्ट मैटर सीरियस हो जाएगा। देखो, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ठीक है, सॉरी, असद मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, अब यहां पर इतना गंभीर मसला है, जिंदगी की बात हो रही है कि जिंदगी में अगर हमें कष्ट लेने के आदि हो जाए तो उनमें मजा आने लगता है और फिर हम उसको एंजॉय करने लगते हैं, वो मिट जाता है रंज। इतनी गंभीर बात हो रही है तो शब्द भी वैसे ही चुने गए। ठीक है, तो ये कोई भी प्रेजेंटेशन गंभीर तब होता है जब उसमें डिक्शन गंभीर हो, यानी कि द वर्ड यू चूज। तो अरिस्टोटल जब अपनी ट्रेजेडी के बारे में समझाता है, याद रखना ग्रीक क्रिटिसिज्म में शुरुआत में, तो वो भी यही कहता है कि अनलेस योअर वर्ड्स आर नॉट डिग्निफाइड यू कैन नॉट कम अप विद अ गुड ट्रेजेडी। तुम बिल्कुल भी एक अच्छी ट्रेजेडी क्रिएट नहीं कर सकते। तो डिक्शन वो चीज है जो आपके सब्जेक्ट को, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशन को गंभीर बनाएगी, और वो सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स विल अल्टीमेटली डिसाइड हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द सब्जेक्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये आया सब्जेक्ट मैटर का मसला जिसे हम कह रहे थे, और ओल्ड में ये हर हालत में गंभीर होना मांगता है। और अगर तुम इसका कहो कि सर कोई प्रूफ दे दो, तो मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूं। तुम एक और वर्ड्सवर्थ की एक सॉलिटरी रीपर पढ़ लेना, ठीक है, जो लिरिक है अभी बात हो रही थी, और एक और पढ़ लेना वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। अब दोनों की शब्द संरचना में और सिलेक्शन ऑफ वर्ड में अंतर देख लेना, और फिर मुझसे बात करना कि ओल्ड में गंभीर सब्जेक्ट और प्रेजेंटेशन होता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई बिल्कुल कि ये डिग्निफाइड क्यों होता है, क्योंकि इसमें शब्द होते हैं बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं कि ओल्ड में और क्या है, लिरिक से लंबी क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज को डीपली एक्सप्रेस करना है और गंभीरता से एक्सप्रेस करना है तो वो अपने इफेक्ट को लाने में थोड़ा टाइम लेगी, और टाइम लेगी तो उसको इलेबोरेट करना होगा। अब लिरिक तो छोटी होती है, लेकिन अगर आप इलेबोरेट करोगे किसी चीज को, ठीक है, तभी आप उसमें इफेक्ट दे पाओगे, थोड़ा गंभीर सीरियस इफेक्ट। अगर आप छोटी चीजों में ही उसको खत्म कर दोगे तो वो इफेक्ट आने से पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए लिरिक से लंबी होती है। मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा, ये एड्रेस होती है किसी चीज को। जब ये किसी चीज को एड्रेस होती है, ठीक है, या तो ये डायरेक्टली किसी को एड्रेस करती है जिसमें आपको साफ पता चल रहा होगा, जैसे मैं अगर शैली की ओड टू द वेस्ट विंड करूं, तो आप इसके पहली ही लाइन से पता लगा सकते हैं ये डायरेक्टली किसको संबोधित करते हुए है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड,
ठीक है, और पीछे एफ एस ट्रॉफी। तो वाइल्ड वेस्ट वेंट के लिए है सीधे सीधे डायरेक्ट है, ठीक है। तो ज्यादातर ओपनिंग लाइन में ही पता चल जाता है कि ये किसके लिए अपील है डायरेक्टली। ओ वाइल्ड वेस्टमैन, कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेशियन अन, ओड ऑन ए ग्रेशियन अन, अगर तुम्हें याद हो इसकी एक लाइन आती है कीट्स की हमेशा, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अब देखो इन दोनों में फर्क है, इसमें आपको डायरेक्टली मिल रहा है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहां कहीं पर अर्न का नाम नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस जो है हमें ऊपर नीचे की लाइन से पता चलेगा। तो थोड़ा ये भी हो सकता है कभी कि एड्रेस तो क्या है, थोड़ा इनडायरेक्ट लग रहा है, लेकिन एड्रेस जरूर होता है, ठीक है। टेनिसन की टू वर्जिल है तो उसमें सीधे वर्जिल आ जाता है। तो बेसिकली चाहे डायरेक्ट फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी और तरीके से डील कर रहा हो, इसमें एड्रेस पक्का होगा, संबोधन पक्का होगा, ऑलराइट, किसी भी चीज को। अब मैंने कहा कि अभी एक और पॉइंट बताया था कि कई बार ये पब्लिक ओकेजन में कोई चीज को कॉमेमोरेट करते हुए या किसी की यादगार में किसी चीज को बयां करते हुए भी ये इसका निर्माण किया जाता है ओड का। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें नेशनल सेलिब्रेशन या कोई बहुत महान फिगर की डेथ में ओड लिखी गई हो? बिल्कुल, अगर आपको मैं बताऊं, एंड्रयू मार्वेल नाम का एक पोएट हुआ है कैरोलिन एज में, ठीक है, आप सब जानते होंगे। तो उनकी एक बहुत जबरदस्त ओड है, वह है अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, एक बहुत ही सेलिब्रेटेड फिगर के बारे में है, और ये था क्रॉमवेल, जिसको आप जानते हैं कि कॉमन मैन था, प्यूरिटन था, जिसको राजा बना दिया गया और रॉयलिटी का पूरा सीरीज ब्रेक कर दी गई, राजसी खानदान। अभी जब हम एज पे आएंगे तो एज पे आपको पता चल जाएगा कैरोलिन एज में, कॉमनवेल्थ एज, ठीक है, जिसको लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड कहा गया। तो इस महान सेलिब्रिटी में एक ओड लिखी जब ये आयरलैंड से जीत के लौटा, तो ये पूरी एक पब्लिक ओकेजन पे लिखी गई है, कोई बड़ी घटना पे। वैसे ही टेनिसन ने तक एक लिखी है, टेनिसन की एक ओड है जो एक फिगर पे है, वो है एक महान घटना उस समय की, एक फेमस फिगर की, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जब डेथ हुई तो उसने एक ओड लिखी जो पब्लिकली पढ़ी जानी थी, और वो थी ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो रहे ओड के इंट्रोडक्टरी चीजें। अब मैं चलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ओड के टाइप और स्ट्रक्चर पे। तो अब हम चलते हैं ओड के टाइप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ बोलो। हाँ सर, एक चीज सर ये बताए सर, ओड आया कब सर? ओड और ये जो जितनी भी पोएटिक फॉर्म है, इनकी कोई फिक्स जो है डेट नहीं दी गई है, ये याद रखना जी। क्योंकि जैसे ही कोई चीज, हाँ बोलो, एज में सर, किस एज के विषय में, तो मतलब किस एज में आया या किस सेंचुरी? अच्छा, ऐसे बता रहे, ओड एक ऐसी चीज है जो लगातार कई एजेस में डिस्क्राइब हुई है, लेकिन ज्यादा किस एज में की गई है वो मैं बता दूं आपको। सबसे ज्यादा ओड लिखी गई है बेसिकली आपकी रोमांटिक एज में, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा रोमांटिक एज में ओड लिखी गई है। और कोई भी चीज जब ग्रीस से स्टार्ट होगी, याद रखना, अगर किसी भी चीज का ग्रीक ओरिजिन होगा तो उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो परंपराओं में आगे बढ़ के हम तक पहुंची है। तो ओरिजिन कितने टाइम पे हुआ इसका हम फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इंग्लैंड के अंदर ओड जो सबसे ज्यादा लिखी गई वो आपको पता है कि रोमांटिक एज और फिर विक्टोरियन एज में भी कुछ लिखी गई है, उसके बाद मॉडर्न एज और उससे पहले रोमांटिक एज से पहले लोगों ने लिखी है, ओकेजनली लिखी है, ऐसा नहीं कि सारे लोग ओड ही लिख रहे हैं। लेकिन रोमांटिक एज में तो बरसात हो गई थी, तुम्हें पता है, ठीक है, शैली भी लिख रहा है उधर, कीट्स भी लिख रहा है उधर, ठीक है, उसके बाद विक्टोरियन एज में टेनिसन ने भी कुछ लिखी है। तो बेसिकली ओड की जो
कह सकते हैं सबसे ज्यादा बहुतायत है वो रोमांटिक एज में, आप इतना क्लियर करके चलना। ओके ओके सर, थैंक यू। अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ जो है टाइप ऑफ ओल्ड, टाइप्स ऑफ ओल्ड। टाइप्स ऑफ ओल्ड में आज इंट्रोडक्टरी चीजें समझ लो कि जो टाइप ऑफ ओल्ड होती हैं उसमें हमारे पास पहले हम मेजर फॉर्म कर लेते हैं टाइप में और फिर उसकी माइक्रो स्टडी में जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला टाइप है ओल्ड का वो है द डोरियन ओल्ड, द डोरियन ओल्ड। और इस पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं पिंडारिक ओल्ड। तो अपने माइंड में बिठा लो कि पहला टाइप के दो नाम है, एक डोरियन और पिंडारिक, और दोनों सेम ही ओल्ड है, डोरियन ओल्ड कहे या पिंडारिक ओल्ड। और दूसरी ओल्ड होती है जो दूसरा टाइप है, ठीक है, वो है बेसिकली द लेस्बियन और होरेशियन ओल्ड। इसके भी दो नाम है, एक है लेस्बियन और दूसरा है होरेशियन ओल्ड। तो दो नाम, चार नाम हो गए, दो के ही आपके चार नाम हो गए, तो चार क्वेश्चन तो यही बन गए आपके, ठीक है। अब आते हैं क्या तीसरी भी ओल्ड है, यस ऑफ कोर्स, एक थोड़ा कम ही सही लेकिन एक ओल्ड और है जिसको हम इंग्लिश ओल्ड कहते हैं, इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंग्लिश ओल्ड को। और अब हम इसके ओरिजिन में जो सबसे पहली ओल्ड है उसको उठाते हैं और उसमें क्या क्या चीजें थी और ये क्या आपको जो है इसमें समझना चाहिए, ये चलते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सबसे बेसिक ओल्ड, द डोरियन ओल्ड, या फिर जिसे हम कहते हैं द पिंडारिक ओल्ड। अब ये भी ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है। अब पहली चीज तो मैं तुम्हें यही बता दे रहा हूं कि इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है, और इनको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो डोरियन ओल्ड का जो नाम पड़ा है, इसका नेम जो आया है, वो एक लोकल डायलेक्ट से आया है जो उस एरिया में बोली जाती थी। तो लोकल डायलेक्ट मतलब लोकल भाषा का नाम था, एक रीजन, खास रीजन का एक डायलेक्ट था जो डायलेक्ट का नाम था डोरियन। डोरियन एक वहां की भाषा का नाम था, तो उस डायलेक्ट के नाम से डोरियन ओल्ड पड़ा इसका नाम, ठीक है। दूसरा कि डोरियन ओल्ड बेसिकली क्या थी, इसको समझने के लिए दूसरा पॉइंट समझिए कि डोरियन ओल्ड का या पिंडारिक ओल्ड का एक सबसे खास पहलू था कि इट वॉज कोरिक इन नेचर, कोरिक इन नेचर, यानी कि इस ओल्ड को जब भी गाया या बोला जाएगा यहां पर ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, कोरस होगा, कोरस, कोरस जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, और कोरिक होती थी और इसमें जो है म्यूजिक होगा और म्यूजिक के साथ इसमें एक खास चीज जरूर होती थी, डांस। डांस के बिना ये कोरिक जो है डोरियन ओल्ड किसी भी हालत में नहीं हो सकती थी। और मजे की बात ये थी कि इस पूरे ओल्ड का स्ट्रक्चर ही डांसर पर डिपेंड करता था। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डोरियन ओल्ड इज स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ डांसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोरियन ओल्ड डांसर को कंट्रोल नहीं करती बल्कि डांसर ओल्ड को कंट्रोल करता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बोरो की गई है मूवमेंट ऑफ द डांसर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल क्लियर करके चले अपने मन में। तो इसलिए डांसर इस ओल्ड में कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द स्ट्रक्चर ऑफ डोरियन ओल्ड, इज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ डांसर। अब होता क्या था इसमें, इसको देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर के तीन हिस्से होते थे, थ्री पार्ट्स, और इन थ्री पार्ट्स में
हम तीनों हिस्सों को डांसर से समझते हैं, मान लिया, ठीक है। तो ये जब डांसर का जो पहला हिस्सा था इसका, तो उस पहले हिस्से को कहते थे स्ट्रॉफी, और दूसरे हिस्से को कहते थे जो बेसिकली वो होता था एंटी स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, और तीसरे हिस्से को कहते थे इपोड, ईपीओडी। अब होता क्या था, जैसे ये गाना शुरू करते थे गाना, तो जो पहला स्ट्रॉफी है वो पहला हिस्सा होता था, इसमें हमारा जो मूवमेंट होता था वो एंटी क्लॉकवाइज होता था, डांसर एंटी क्लॉकवाइज घूमता था और डांस करता था, स्टार्ट ही वो एंटी क्लॉकवाइज था। एक घड़ी होती है जैसे आप देखते हैं, घड़ी की सुई जो है ऐसे चलती है, लेकिन ये उल्टा चलता था घड़ी की सुई से, तो एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रॉफी में डांसर उसके गाते ही ऐसे उल्टा होके मूवमेंट करके स्टार्ट करता था। और जैसी उल्टा वाला नाम लेता मैं एंटी स्ट्रॉफी, तो इसमें क्लॉकवाइज घूमता था डांसर और ऐसे डांस करता था, ठीक है, दो हिस्से। और थर्ड हिस्सा जो है वो कहता था कि इसको इपोर्ड में डांसर जो है अपनी जगह पे स्टेबल हो जाता था, बीच में पॉज कर लेता था, ना वो इधर घूमता था और ना उधर घूमता था, और वो यहां पर रुक जाता था और स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, वो चुपचाप खड़ा हो जाता था उस सॉन्ग को सुनते हुए। तो जब भी कोई इसमें स्ट्रक्चर होता था तो स्टैंजा ऐसे ही बनते थे, पहले स्ट्रॉफी गाया जाता था, फिर एंटी स्ट्रॉफी, फिर इपोर्ड। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये तीन स्टैंजा के बाद एक ओल्ड खत्म हो जाती थी? नो, ये खत्म भी हो सकती है और यही सीक्वेंस में कई बार रिपीट हो सकती है, कई बार। तो ये जो तीन पार्ट हैं वो कई बार रिपीट भी हो सकते हैं और ये एक बार भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर थॉमस ग्रे की एक ओल्ड है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड, उसमें तीन तीन बार रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिकली ये ओल्ड थी। अब प्रश्न एक रह गया इंपॉर्टेंट, वो रह गया कि इसको पिंडारी कोर्ट क्यों कहते हैं भाई। एक्चुअली ये डोरियन फॉर्म जो थी, इसको ग्रीस में एक पिंडार नाम के पोएट ने सबसे ज्यादा अप्लाई किया और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया। तो इसके प्रैक्टिस करने की वजह से लोगों ने देखा कि डोरियन ओड लिखने वाले सबसे बड़ा राइटर ही पिंडार पोएट है, तो इसलिए इसका नाम भी उसी के नाम से एक और रख दिया गया कि ये तो भाई पिंडारी कोड है, क्योंकि इसका जितना बढ़िया यूज पिंडार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया, तो इससे उसका नामकरण पिंडारिक ओल्ड भी पड़ गया। बोलो पहला स्ट्रक्चर क्लियर हुआ ओल्ड का? क्लासिकल भी इसी को बोलते हैं, क्लासिकल, बिल्कुल बिल्कुल, यही क्लासिकल ओल्ड भी है क्योंकि ये सबसे पुरानी है, ठीक है। एक और नाम ले लो इसकी, क्लासिकल ओल्ड, ठीक है। तो बोलो क्लियर हुआ है, कुछ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ने में इनको? यस सर। दो बहुत फेमस एग्जांपल दे दे रहा हूँ पिंडारी कोर्ट के। एक एग्जांपल तो है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ठीक है, ये ग्रे की है, और दूसरा एग्जांपल है द बार्ड, ये भी ग्रे की है। ग्रे बहुत अच्छा पोएट माना जाता है जिसने पिंडारिक ओड्स को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों सबसे बड़ी ओड मानी जाती है पिंडारिक ओड में। अब हम दूसरे में आते हैं, द लेस्बियन और होरेशियन ओड, द लेस्बियन, या फिर इसका दूसरा नाम है और होरेशियन ओड। तो अब इसमें देखना है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जान लो कि इस लेस्बियन ओड की बात करें तो ये इसका नाम क्यों पड़ा है, सबसे पहले हम इसको जान लें, ठीक है। तो होता क्या था, जहां पर ये फ्लोरिश हुई वहां पर एक आइलैंड था और उस आइलैंड का नाम था लेस्बोस, लेस्बोस नाम का ये आइलैंड था, और इस आइलैंड में सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुई, सबसे ज्यादा ये फली फूली ये फॉर्म
जो ओल्ड की, इसलिए इसका नाम लेस्बियन जो है ओल्ड लिखा गया। ठीक है, अब बात आई किसको होरेशियन ओल्ड क्यों कहते हैं, दोनों नाम पे ही बात पहले क्लैरिटी ले आए। होरेशियन ओल्ड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो प्रैक्टिस करने वाले थे दो जबरदस्त राइटर थे, जिसमें सबसे बड़ा राइटर आपका रोमन राइटर होरेस था और दूसरा था कैट्यूलस। ठीक है, तो होरेस प्रैक्टिस्ड इट मोस्ट, इसलिए इसका नाम हो गया होरेशियन ओल्ड। इसके अलावा होरेस के अलावा एक कैट्यूलस भी था जिसने होरेशियन ओल्ड बहुत ज्यादा किए, लेकिन होरेस ने सबसे ज्यादा की, इसलिए इसको होरेशियन ओल्ड कह गया। तो लेस्बियन ओल्ड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि आइलैंड ऑफ लेस्बोस में ये फली फूली ये फॉर्म, इस फॉर्म को फिर होरेस नाम के रोमन पोएट ने सबसे ज्यादा यूज किया, इसलिए इसको होरेशियन ओल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो नाम की क्लैरिटी हो गई। अब बात आते हैं क्या इस ओल्ड में अपनी पहली ओल्ड से कुछ अलग चीज है जो हम पिंडारिक बात कर रहे थे। एग्जैक्टली इस ओल्ड को हम कह सकते हैं कि ये पहली वाली ओल्ड की अपेक्षा थोड़ा सिंपलर फॉर्म है, यानी थोड़ी सरल है, सरल फॉर्म है। तो पिंडारिक ओल्ड की अपेक्षा ये इजियर और सरल है और पोएट्स इसको बहुत आसानी से बिना डिफिकल्टी के यूज कर सकते हैं, और यही कारण रहा कि लेस्बियन या होरेशियन ओल्ड सबसे ज्यादा पोएट की पसंदीदा फॉर्म रही अपने ओड्स लिखने में। तो हम कहेंगे सिंपलर देन पिंडारिक ओड एंड इजियर टू यूज बाय पोएट, इजियर टू यूज बाय पोएट्स। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो इमिटेट कर सकते हैं पोएट आराम से इसे। अब इसमें क्या होता है, जैसे वहां तो स्ट्रॉपी एंटी स्ट्रॉपी पोर्ड होता था, इसका कुछ अलग तरीके का हिसाब किताब। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक तरीके से इसमें कई शॉर्ट स्टेंजा होते हैं। ठीक है, और वो बराबर लंबाई के और एक से अरेंजमेंट वाले होते हैं। तो इसमें कहेंगे इट हैज मैनी शॉर्ट स्टेंजास एंड दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड अरेंजमेंट, सिमिलर लेंथ एंड अरेंजमेंट। ठीक है, और इसमें जो होता है लगभग उनकी लंबाई भी एक से होती है, बराबर लाइंस होती हैं, और ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही क्लियरली डायरेक्ट और डिग्निफाइड ट्रीटमेंट होता है, एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज होती है, घुमा फिरा के नहीं होती, डायरेक्ट एंड डिग्निफाइड ट्रीटमेंट। अब डिग्निफाइड का मतलब अच्छे वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसको बेसिकली होरेशियन ओल्ड को हम इस तरीके से जानते हैं, और ग्रीक ओरिजिन है इसका, और एंड्रयू मार्वेल की एक बहुत जबरदस्त आपका एग्जाम्पल है होरेशियन ओल्ड का। ठीक है, वो है अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है एंड्रयू मार्वेल की एक पोयम है अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, अब अगर हम एंड्रयू मार्वेल की इस पोयम को देखें अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न इन आयरलैंड, तो इसमें मैं बता दूं कि चार लाइन का स्टेंजा है। ठीक है, और चार लाइन में भी मैं आपको एक चीज खास तरीके से बताऊं कि पहली लाइन लंबी है, दूसरी लाइन उससे थोड़ी छोटी है, तीसरी लाइन वो यहां से शुरू करता है और यहाँ पे खत्म करता है, और चौथी लाइन भी यहां से शुरू करता है यहाँ पे खत्म करता है,
और जैसे ही दूसरा पैरा आता है तो एग्जैक्टली यही लाइन लेंथ और यही जो है आपका यूज किया गया है, दूसरी लाइन थोड़ा पहले खत्म, तीसरी यहां से शुरू होके यहां पर और चौथा। तो वही वाली बात हो गई कि चार जो है इसमें शॉर्ट स्टेंजा होते हैं, कई शॉर्ट स्टेंजा हो सकते हैं और इक्वल लेंथ और लाइन की और अरेंजमेंट की बात ज्यादातर यूज होती है होरेशियन ओड में। तो इसमें कोई ऐसा एंटी स्ट्रोपी, स्ट्रोपी और ओड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता, बल्कि ये पोएट इसको सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी होरेशियन ओड, इससे ज्यादा इस ओड में कुछ नहीं है। अब हम तीसरी ओड में चलते हैं, जो ओड है ओड इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अब एक नई ओड आ रही है जो हम कह सकते हैं इंग्लिश ओड कह सकते हैं, जिसे हम जो इंग्लैंड की अपनी ओड थी, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती लेकिन इसको भी डेवलप किया कुछ पोएट्स ने कुछ खास चीजों के लिए, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं इंग्लिश ओड। अब इंग्लिश ओड ने क्या खास चीज होती है और ये क्यों इंग्लिश ओड बनी, इसमें उनसे क्या अलग होता है, ये देखते हैं। तो इंग्लिश ओड बेसिकली ये अपने तरीके का एक सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल या ट्रीटमेंट कहते हैं ऐसा डेवलप करती है जो क्लासिकल रूल से बाउंड नहीं होता। ठीक है, इट हैज its own style, comma subject matter, not bound by classical rules. यानी classical old की तरह नहीं होगा, इसमें freedom होगी, elasticity होगी। ठीक है, तो अब ये क्या होती है, या तो इसमें एक से रेगुलर सिमिलर स्टेंजा होते हैं जैसे शैली या कीट लिखते थे, या फिर इरेगुलर स्टेंजा होते हैं और हर स्टेंजा में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो यहां इंग्लिश ओड दो तरीके के जो है चीजें ले सकती है इंग्लिश ओड, एक तो होता है रेगुलर स्टेंजा, ये रेगुलर स्टेंजा पैटर्न होगा। ठीक है, और इसमें सीरीज में सिमिलर स्टेंजाज आएंगे। एक मिनट में चार्जर लगा रहा हूं। रेगुलर स्टेंजा एंड सीरीज ऑफ सिमिलर स्टेंजा, और एक होगी इंग्लिश ओड इरेगुलर। ठीक है, और इसमें इरेगुलर स्टेंजा आएंगे और हर स्टेंजा में अलग अरेंजमेंट होगा। ईच स्टेंजा हैज डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो दो तरीके के इसमें हो गए, एक तो सीधे सीधे मान लिया ये चार लाइनों का चल रहा है तो अगला भी फिर ऐसे ही चार लाइनों का चलेगा, लेकिन इरेगुलर में क्या होगा, एक दो तीन चार ये चली, दूसरे में लेंथ इतनी हो गई मान लिया, तीसरे में बड़ी लेंथ हो गई, तो ये इरेगुलर तरीके से चलती है। और इन दोनों के एग्जाम्पल है, जैसे रेगुलर को सबसे ज्यादा किया है यूज शैली ने, किड्स ने, तो रेगुलर इज यूज्ड बाय शैली, शैली की जितनी ओड है और कीट्स की है वो रेगुलर ओड्स हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया है कि कीट्स कैसी ओड्स लिखता है, रेगुलर ओड्स लिखता है या इरेगुलर ओड्स, तो ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो यही से हो गया कि कीट्स जो है रेगुलर ओड्स का माहिर है। ठीक है, और जब हम इरेगुलर बात ओड की बात करें तो उसमें आते हैं टेनिसन, वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट ब्रिजेस, जैसे वर्ड्सवर्थ इरेगुलर ओड लिखता है, इसकी देखना वो टू द इंटीमेशन।
इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी देखना, उसमें छोटी बड़ी लाइंस और बहुत छोटी भी लाइन है, टेनिसन है और फिर रॉबर्ट ब्रिजेस है, तो ये सब बेसिकली इरेगुलर ओड में लिखते हैं। तो आपने अगर हम देख लिया कि तीनों तरीके की ओड में सबसे इलास्टिक ओड जो है वो इंग्लिश ओड है, जिसमें हम कोई रूल से बाउंड नहीं होते और न कुछ ऐसा होता है कि क्लासिकल के हिसाब से ही करेंगे, जो हमारी मर्जी है वैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे माइंड में रेगुलर स्टेंजा पैटर्न आ रहा है तो वही लिख दो, और चार लाइन की लिखनी है और स्टेंजा चार का लिख दो, पांच का लिखना पांच लिख दो, तीन का लिखना तीन लिख दो, लेकिन रेगुलर होगा वो। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी बड़ी लाइन इरेगुलर स्टेंजा लिख दो, कहीं चार लाइन का हो रहा है, कहीं तीन, कहीं दो लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें पूरी इलास्टिसिटी ले सकते हैं। तो इंग्लिश ओड इज मोर लिबरल इन फॉर्म। अगर कोई कहेगा तीनों ओड में सबसे लिबरल कौन है, यानी जिसमें ज्यादा इलास्टिसिटी है, तो इंग्लिश ओड इज मोस्ट लिबरल फॉर्म ऑफ ओड, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन का कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं मोस्ट लिबरल फॉर्म। ठीक है, तो ये रहे आपके ओड्स। तो कोई ऐसी दिक्कत या कोई ऐसा फंडामेंटल जो आपको क्लियर ना हुआ, मनोज बताओ। जी सर, ओके, क्लियर हो गया ना? ओके ओके जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ महान ओड्स जरूर लिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये रहे कि कुछ ऐसी ओड्स आप पहचानो। जैसे एक ओड बहुत फेमस है, वो कई बार पूछी गई है, तो वहां पर उनको उनके नाम लिखा दे रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे ज्यादा पूछी गई ओड्स है, केवल इंपॉर्टेंट ओड्स के नाम लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट ओड जो पूछी गई है वो है, एन ओड टू हिमसेल्फ किसने लिखी है, कोई बता सकता है? एन ओड टू हिमसेल्फ, बेन जॉनसन। बहुत बढ़िया, ये किसने बताया? वीरेंद्र। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही एक और है एन ओड, वो खाली एन ओड होगी, वो भी बेन जॉनसन ने लिखी है, याद रखना, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ओड है जो है ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। यह बिल्कुल सही, यह है मिल्टन ने लिखी है, जॉन मिल्टन ने। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी बेसिकली मुझे याद है 1645 में लिखी थी शायद ये, ठीक है। तो एक ये आ गया। एक मैंने अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड अभी लिखा दिया है, वो आपको पता ही है, ठीक है। एक और है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ये क्या ये ओड है, तो ये बताओ अलेक्जेंडर्स फीस्ट किसने लिखी है? ड्राइडन। बहुत बढ़िया, तो ये ड्राइडन की ओड है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, वो है अभी आपने आपको मैंने दो ओड बताई जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसकी एक और ओड बच गई है तीसरी, और वो है हिम टू एडवर्सिटी, HYMN, हिम टू एडवर्सिटी। हिम टू एडवर्सिटी किसकी ओड है? ग्रे की। ग्रे की, जो दो मैं बता चुका हूं, द बार्ड और प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और हिम टू एडवर्सिटी भी आप याद कर लेना, ठीक है। फिर एक पूछी गई है और वो है ओड टू इवनिंग। ओड टू इवनिंग किसकी है? ये एक उन दिनों पोएट थे कॉलिंस की है, तो ये अच्छी ओड मानी जाती है, ठीक है। फिर वर्ड्सवर्थ की तुम्हें पता ही है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। एक वर्ड्सवर्थ की ओड टू ड्यूटी भी है, हाँ याद रखना। फिर एक आता है डिजेक्शन एंड ओड, बहुत ही फेमस, डिजेक्शन एंड ओड। कॉलरिज, बिल्कुल सही, इसका भी सन याद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1802 में आई थी, ठीक है। और शैली की तो भैया लाइन से है, ओड टू द वेस्ट विंड तुम्हें पता होगी, और कोई ओड बता सकते हो शैली की?
टू अ स्काईलार्क, कितनी बार क्वेश्चन आया है? ठीक है, एक है टू द मून और एक है टू नाइट, एक है टू जेन, जे ए एन ई। तो ये चारों जो है, एक दो तीन और ये चार, ये शैली की हैं। ठीक है, अब कीट्स की, कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन ग्रेशियन नन, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू द पोएट्स। तो आपको बाकी तो पता है, ओड टू द पोएट्स याद रखना, ये भी कीट की है। ठीक है, और ये 1820 में इसने लिखी थी। सर ये टू नाइट के बाद क्या लिखा है? टू टू जेन, जे ए एन ई। ओके सर। उसके बाद बायरन की कोई ओड बता सकता है कोई तुम में से? बायरन की ओड टू नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट पे जिसने ओड लिखी थी वो था बायरन। ठीक है, और इसने आदमियों पे ही ओड लिखी थी, एक ओड टू थॉमस मूर भी लिखी थी, लेकिन ये थॉमस मूर बाद वाला मूर है, जो शुरू में यूटोपिया वाला मूर था वो नहीं। ये दोनों बायरन की हैं। और टेनिसन की ओड बता दो, टेनिसन की बड़ी इंटरेस्टिंग ओड है दोनों। एक तो है ओड टू वर्जिल और एक बड़ी फेमस है जो बार बार पूछी गई है, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो इतनी सारी जो है फेमस ओड आपको बता दी है, तो इसमें याद कर लेना, इसमें से जरूर आपकी चीजें आ जाएंगी। और एक क्वेश्चन मैंने स्पेशली बता दिया कि कीट रेगुलर ओड राइटर था या इरेगुलर, ये क्वेश्चन आया है, तो एक ये कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं पोएट्री की अगली फॉर्म जिसे हम कहते हैं द सोनेट। ऑलराइट, तो सोनेट पे आते हैं।